दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सोनू, मॉडल मेकर्स मैनोडा इंडिया से हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर है। मतलब आपको किस तरह से ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, उसके ऊपर ये मॉडल हमारा बनाया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक मॉडल है, छोटे जूनियर क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। ये इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बीटेक या एमटेक लेवल का कोई इस तरह का बहुत बड़े बच्चों का नहीं है। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल मॉडल बनाया गया, जिसमें कि हमने कोशिश की गई कही है कम से कम और बेसिक सिग्नल्स, बेसिक सिंबल से बच्चों को बताया जा सके कि किस तरह से करना है। दोस्तों, ये जेब्रा क्रॉसिंग का साइन है। सबको पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें सड़क क्रॉस करनी चाहिए। जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग का साइन नहीं होता, वहाँ से हमें सड़क को क्रॉस नहीं करना चाहिए, गलत होता है। दोस्तों, ये पार्क का एरिया है, यहाँ पर साइकिल नहीं ले जाना चाहिए पार्क में। ये नो साइकिल का साइन है, ये स्पीड लिमिट का साइन है, यहाँ पर व्हील चेयर का साइन है, इधर नो हॉर्न का साइन है, इसके बाद डू नॉट इंटर का साइन है, जहाँ पे कि व्हीकल्स नहीं जा सकती जिस एरिया में, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स जाती हैं हॉस्पिटल में, तो इसलिए ये ओनली व्हीकल्स नो एंट्री का साइन है। सॉरी, ये ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड का साइन है, क्योंकि जिस जोन में कोई भी व्हीकल नहीं जा सकती या ओनली ट्रॉलीज जाती हैं, तो उस एरिया में ऐसा साइन लगा होता है। दोस्तों, ये अंडर कंस्ट्रक्शन का साइन है, जहाँ पे भी सड़क के अंदर काम चल रहा होता है, तो इस तरह के अंडर कंस्ट्रक्शन के सिंबल लगा दिए जाते हैं। ये पार्किंग का साइन है, नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग जनरली वहाँ लिखा होता है जहाँ पे कि आपको गाड़ी रोकना नहीं है। दोस्तों, सड़क पे बिना मतलब कहीं पे भी गाड़ी रोक के आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, सिर्फ उसी जगह खड़ा होना चाहिए जहाँ पे स्टॉपिंग और स्टैंडिंग अलाउड होती है आपको, मतलब जहाँ पे परमिशन होती है। ये स्कूल अहेड का साइन है, यहाँ पे कभी भी आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, कभी भी आपको यहाँ पे तेज़ी से गाड़ी को नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, ये ड्राइविंग स्कूल का हमने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग हो रही है। फ्रेंड्स, ये सभी गाड़ियाँ रबड़ से बनाई गई हैं। कुछ दोस्तों, ये गाड़ियाँ रबड़ से बनाई गई हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। जो इरेजर्स होते हैं, ये गाड़ी हमने इरेजर को काट के बनाई है, ये बनी बनाई गाड़ियाँ मिलती है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। ये इस कंपनी के बॉक्स में गाड़ी आती है, आपको इसकी इरेजर्स बने बनाए मिल जाएंगे। अगर आप किसी बड़े स्टेशनरी स्टोर पे जाते हैं या ऑनलाइन आप परचेस करना चाहते हैं, तो आपको ये कार्स मिल जाती हैं। दोस्तों, ये फ्लावर्स भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ये हमने बनाए नहीं है, ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ कागज़ के होते हैं, पेपर के होते हैं, और कुछ थोड़े थोड़े प्लास्टिक के भी होते हैं। तो आजकल आपको प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए, इसके मॉडल में रिकमेंडेड नहीं है प्लास्टिक यूज़ करना। तो आप यहाँ पे प्लास्टिक कम से कम यूज़ किया हुआ हमने इसमें, ये सारा इको फ्रेंडली बोर्ड है। ये थोड़ा कॉस्टली आता है दोस्तों, ये 700-800 रुपये के करीब एक बोर्ड आता है, इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली बोर्ड। ये हमने फेविकोल से सारा चिपकाया हुआ है, ये पेपर वर्क है सारा। और यहाँ पे कुछ पौधे लगाए हुए हैं जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और इसमें दोस्तों ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है मेरे ख्याल से। देखो, नो यू टर्न का है, जिस तरह आप यू टर्न मना होता है वहाँ ऐसा सिंबल देखेंगे। जहाँ पे साइकिल चलाना मना होता है वहाँ पे ऐसा सिंबल देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरह के मॉडल परचेस करना चाहते हैं, तो आप कृपया मेरे को 9818479606 पे कांटेक्ट करें। मैं हूँ सोनू, मॉडल मेकर्स, मैं नोएडा इंडिया से हूँ। इसके बारे में आपको कोई भी कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप इस तरह के मॉडल परचेस करना चाहते हैं, मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि मेरे को आप कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी आप मटेरियल पूछते हैं, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारी कॉल्स आने की वजह से हम ये कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप इस तरह के कोई भी मॉडल परचेस करना चाहते हैं, तो आप मुझे 9818479606 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपको इस तरह के और भी अपडेट्स चाहिए, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे की तरफ दिखेगा, और उसके साथ में एक बेल आइकन दिखेगा, आप उसे प्रेस कर देंगे, तो आपको रेगुलर अपडेट मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।